अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसका बहुत शुक्रिया। मुझसे किसी ने कहा था कि हम जो एक्सपर्ट्स के साथ प्रोग्राम्स करते थे उसमें थोड़ा सा गैप आया, तो जनाब आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर, हम उस गैप को पूरी किए देते हैं, क्योंकि हमारी खुशनसीबी है जो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है। इट्स इंडीड एन इमेंस प्लेजर फॉर क्यूरेटर्स वेलकम हिम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ही इज करेंटली वर्किंग एज अ डीन एट कैसबिच इंस्टीट्यूट, did hit MS engineer electrical engineering and masters computer sciences back from USA, have done his PhD in information technology from Pakistan. So let me take this privilege to welcome somebody who has been associated as a professor, started as an assistant professor in 2003 and currently working as a dean at Kasbit Institute. So let me take this privilege and honor to welcome Dr. Abdul Kabir Qazi. Assalamu alaikum sir, kaise mizaj aapke? वालेकुम सलाम सोहेल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होके? आपको बहुत खुशी है, आपने हमें इज्जत बख्शी और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आज एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो आपने यहाँ प्रोवाइड किया, आई होप जो हमारी ऑडियंस है और जो हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो इंशाल्लाह। और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉक्टर कबीर साहब के साथ आज मैंने डिस्कस करने का फैसला किया है कि आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आजकल डॉक्टर साहब बहुत बात होती है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट। खास तौर पे जो हमने लास्ट ईयर की सिचुएशन देखी, इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस में और इजाफा हो गया है। तो टू गो एनी फर्दर, अगर मैं आपसे पहला सवाल यूं करूं कि आईटी की आज के दौर में क्या सिग्निफिकेंस है आपके नज़दीक, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? देखिए सोहेल साहब, जैसे आपने सवाल किया कि आज के दौर के लिहाज से ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी एलाइड या अप्लाइड आपका एरियाज हैं, ईच एंड एवरी प्लेस इज एम्बेडेड नाउ विद द यूज एंड ऑफ द गैजेट्स एंड द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कोई भी सेक्टर ले लीजिए, कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लें, कोई भी आप एरिया ले लें, कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, उसमें विदाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के दौर में आप सक्सीड नहीं हो सकते। टू मेक यू सक्सेसफुल आई मीन यू हैव टू, आपके तमाम लोग, चाहे वो आपके यूथ हो, चाहे आपके प्रोफेशनल्स हों, चाहे आपके प्रोफेसर हों, चाहे आपका लेबर हो, दे मस्ट ऑल हैव अ सेटिस्फैक्ट्री साउंड नॉलेज एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जितने भी आपके एरियाज हैं। सही, इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट मैंने कल एक रिसर्च में देखी थी, वही आज हमारा टॉपिक भी है कि इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो क्या ये इटसेल्फ कुछ अहमियत रखता है, या इन ऑर्डर टू मेक इट वर्थ इट हमें इसको किसी फील्ड के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, जैसे आजकल हम देखते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस, आईटी डिपार्टमेंट्स? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखें, आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ये दौर बेसिकली आपका एम्बेडेड है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द बेंड ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और द डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द मासेस एंड द यूजर्स विद द प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए आपको कोई ना कोई मीडियम दरकार होता है जिसपे आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करती है। ऑब्वियसली हम सब इससे बखूबी अवेयर हैं कि आज का कम्युनिकेशन का मीडियम आपका वायरलेस मीडियम है, जिस पे इंटरनेट की एक्सेस और जो है वो मोर देन 90% है। कई बिलियन अफराद, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन आजकल आपकी इंटरनेट के साथ एसोसिएटेड, और ये 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंटरनेट इज़ यूजिंग ऑन 90% ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। सो ऑब्वियसली विद द प्रमोशन, विद द ग्रोथ ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन, आपकी इंटरनेट एक्सेस और उसकी बुनियाद पे एक्सचेंज ऑफ रैपिड इंफॉर्मेशन, बिकॉज आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी करंटली, आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि 5G
टेक्नोलॉजी का बैंड या स्पेक्ट्रम अभी आपका मार्केट में दुनिया में इंट्रोड्यूस आपका हो चुका है, जो कि बहुत ही आपकी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये आपका काम परफॉर्म करता है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको बहुत हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके बेसिस के ऊपर कई कई गुना के साइज का डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर विद द बेस्ट और लीस्ट अमाउंट ऑफ क्या कहना चाहिए कैरर्स के बिना पे कम्युनिकेट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी एक इसकी जो एक्सपेंशन है प्रोमोशन है उसमें आपकी 5G का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, दैट ब्रिंग्स टू मी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो आपने 5G की बात कही है, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में स्पीड अप हो रहा है 5G की वजह से, जरा कई गुना बढ़ जाएगा ये, इसके अंदर आप क्या समझते हैं जो IT डिपार्टमेंट्स हैं खासतौर पे, बिकॉज वी लिव इन पाकिस्तान, तो आई वुड लव टू टॉक अबाउट आर कंट्री, हमारे यहाँ मासिवेचन कॉर्पोरेट सेक्टर्स के इतना एडवांस क्यों नहीं है, हम कब एडवांस्ड होंगे इसके अंदर? सोहेल साहब, इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इस साउथ एशिया के रीजन की बात करें, स्पेशली जो आपकी हाईली पॉपुलस कंट्रीज़ इस रीजन में, ऑब्वियसली आपके पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, दे आर हाईली पॉपुलस कंट्रीज़ और दे आर कमिंग इन द थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के रेंज में आपके आते हैं। तो आप नोट कीजिए कि पाकिस्तान आपकी वो कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन हमें अंदाज़ा है कि मोर देन 200 मिलियन आपकी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक हाई पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये हाई पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स का ही वो बेसिकली जिसकी वजह से हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हमारी यहाँ पे होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर ऑब्वियसली आर वेरी मच वेलकमिंग दिस टेक्नोलॉजी, और जैसे कि पिछले 2-3 सालों के अंदर इवन के गवर्नमेंट की तरफ से भी इनका सपोर्ट मिल रही है, बहुत सारे प्रोवेंसेस के अंदर डिजिटाइजेशन के ऊपर जो आपका काम चल रहा है उसमें आपका इस 5G या वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज आपके हेल्थ सेक्टर आपका हो गया, आपके गवर्नमेंट के सेक्टर्स हो गए उसमें, और इवन के और दूसरे भी सेक्टर्स आपके जहाँ पर गवर्नमेंट काम कर रही है, और इवेंचुअली आपका जो कमर्शियल, आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपके जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, दे हैव गॉट द नॉलेज, दे हैव गॉट द एक्सपर्टीज, दे हैव गॉट द रिसोर्सेज अवेलेबल, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जिसके बेसिस के ऊपर जो टूल्स वो यूज़ करना चाहते हैं, जो कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयरिंग की बुनियाद के ऊपर उनको मार्केट के अंदर, चाहे वो आपकी लोकल मार्केट हो, चाहे वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट हो, जब आप कि ये चीज़ें उनको कंपेरेटिव एडवांटेज उनको प्रोवाइड करेंगी, तो ऑब्वियसली एक मार्केट के अंदर इसका जो बूम है वो मज़ीद और बेहतर हो सकता है। अभी तक पाकिस्तान में उस तरह से, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की, इवन के गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रॉपर यूज़ है, जो कि आपको कंपेरेटिव एडवांटेज नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ द न्यू डायमेंशंस, न्यू मॉडल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू एरियाज, न्यू होराइजन्स की जो एक्सप्लोरेशन है वो भी आप इससे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसीलिए जो आपकी एडवांस कंट्रीज़ हैं उनका प्लस पॉइंट यही है कि वो इससे 2 स्टेप या 3 स्टेप आगे चलते हैं, वो आपके इन नई टेक्नोलॉजीज़ को सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर न्यू हॉराइजंस, न्यू मॉडल, न्यू रिसर्चेस, जिसके बेसिस के ऊपर वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अपना आपको एक्सीड कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे जरूर क्लेरिफाई कर दूँ, मेरा नाम वकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे परेशान हो जाएंगे क्योंकि नाम मिस्टेकनली गलत प्रोनाउंस हो रहा है। दिस इज वकार टॉकिंग टू यू पीपल। अच्छा, एक चीज़ और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है जी, आप कुछ कह रहे थे। एक चीज और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो हमारे यहाँ IT की फील्ड है उसके अंदर क्या एक्सपर्ट्स उस लेवल के नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे जो IT एक्सपर्ट्स होते हैं या तो उन्हें प्रॉपर मौके नहीं दिए जाते काम करने के, या वो उस लेवल पर आके अनफॉर्चुनेटली काम कर नहीं पाते जिस लेवल पे एक IT एक्सपर्ट को करना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या एक्सपर्ट्स की कमी है या उनको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं किया जाता? IT एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि जो हमारा रीजन है उसमें जितने भी हमारे स्किल प्रोफेशनल्स हैं, तो वो स्किल प्रोफेशनल स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेशनली हर एक से कम्पीट कर रहे हैं, कर सकते हैं। अगेन द पॉइंट इज़ दैट कि इफ़ यू टॉक ओनली अबाउट स्पेसिफिकली ऑफ द पाकिस्तान,
तो जाहिर बात है कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो लेटेस्ट गैजेट्स कह लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कह लें, लेटेस्ट जो आपको सपोर्ट चाहिए होती है, वो थोड़े से हम यहाँ पर लैक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम वन टू वन या इंडिविजुअल बेसिस पे बात करें तो लोग अपने तौर से बहुत अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब कलेक्टिव बात होती है जिसमें ऑब्वियसली जब तक गवर्नमेंट की प्रॉपर सपोर्ट आपको नहीं होगी, तो इस मास लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल या स्ट्रेटेजिक चेंज आपकी आनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी लैकनेस आती है। तो आई एम सॉरी टू से कि जो भी हमारी पिछले कई सालों में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इस तरह के इश्यूज आपके रहते रहे हैं, जिसके बिना पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो स्ट्रेटेजिक आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके विजन, आपकी जो क्या कहना चाहिए कि टारगेट्स जो आपने सेट किए जाने चाहिए, वो उस तरह से अचीव नहीं हो पाते। तो जब ये डिस्ट्रप्शन आपकी आती हैं, तो जाहिर बात है वो प्रोफेशंस जो कि एक टाइम अपना लगाता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है और उसके बाद कुछ एक वक्त होता है, मसाल तो 5 साल है, 10 साल है, 4 साल है, 6 साल है, जिसके अंदर वो अपने स्किल्स डेवलप करता है। फिर जैसे ही टाइम आगे गुजरता जाता है, तो जाहिर बात उसकी नेचर ऑफ जॉब, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती चली जाती हैं। और लेकिन जब एक हम नेशनल लेवल की बात कर रहे होते हैं, तो वो जाहिर बात है अगर वो सपोर्ट आपकी स्टेगनेंट है, वो स्लो है, तो लोग उस फेज से पास आउट होते चले जाते हैं। तो या तो यहाँ पर सेचूरेट हो जाते हैं, या बहुत से लोग फिर बाहर चले जाते हैं, या फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ये इसके मेन इशूज़ मैं समझता हूँ। सही बात है, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि हमारे यहाँ एक डायलेमा है ना कि हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से चीजों को अगर एम्प्लॉय किया भी जाए तो वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से इंटरनेशनली होता रहा है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बिफोर वी एंड दिस, क्योंकि ये बड़ा बड़ी बड़ी देर वास्ट फील्ड है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना ज्यादा डीप में जाके जितना लोगों को स्पेसिफाई करके समझा सकें। इसमें जो, क्योंकि जाहिर इंफॉर्मेशन है बेतहाशा इंफॉर्मेशन होती है, आप देर इज नो चेक एंड बैलेंस व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप क्या समझते हैं जो आजकल अनफॉर्चुनेटली साइबर क्राइम है, जो इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, यार ये मुकम्मल तौर पर तो नहीं रुक सकती। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये 0% कैसे हो जाएंगे, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर नीडेड टू ओवरकम ऑन टू दोज? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया है, एंड ऑलमोस्ट तमाम ही कंट्रीज़ के अंदर इस पे डिबेट आपकी चल रही है। जैसे अभी आपने बात कही कि इंटरनेट इज़ फ्लडेड विथ टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी पर्टिकुलर सोर्स जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। इट इज़ इंफॉर्मेशन हाईवे, बट व्हेन यू आर रनिंग ऑन द हाईवे, ऑब्वियसली देर आर सो मैनी थिंग्स अवेलेबल, और उन की जो वेरिफिकेशन कह लें, उनके क्रॉस चेक कह लें, उनकी ऑथेंटिसिटी कह लीजिए, उनका रूट्स कह लीजिए, ये एक अगेन एक बहुत बड़ी डिबेट है। तो थोड़ा सा मैं आपको इन जनरल लेमैन के तरीके से बता दूं कि जब इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, व्हेन देर इज़ टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जाहिर बात है कि उस टू मच इंफॉर्मेशन एक तरह से आपके लिए मीनिंगलेस हो जाती है। लेकिन जब इंफॉर्मेशन आपके पास कम होती है, तो उस कम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपके डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेहतर होती है। यानी कि ये वही वाली बात है कि जब आपके पास हर चीज़ पूरी की पूरी अवेलेबल हो गई, तो व्हाट गुड यू हैव डन, आपने क्या उसमें ऐसी मेहनत की जो कि आपने उसको एक्सप्लोर करके, एफर्ट करके आपने उसको कोई चीज़ सीखा या आगे उसको या कन्वे किया। जब हर चीज़ आपको रेडीमेड अवेलेबल है, तो दिस मीन्स यू आर ओनली टेकिंग फॉर ग्रांटेड। और इसी की बुनियाद पे जो सारे ये जो इसके साइबर क्राइम्स हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, ये भी आपकी उसी से आपकी रिलेटेड है। पर्सनल जो आपकी सिक्योरिटी है, वो आपकी अफेक्ट हो सकती है, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगेन द पॉइंट इज़ दैट व्हेन देर इज़ टू मच ऑफ बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ दिस थिंग, देर ऑल्सो डिसएडवांटेजेस एज वेल। तो बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों का ये एक तरह का कहना चाहिए कि टग ऑफ वॉर है। तो इट इज़ अप टू यू बेसिकली किस तरह से आप उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बहुत सारे वेज भी हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, क्या वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या उसमें कुछ आपके फ्लॉज पॉसिबल हो सकते हैं। सही कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे साइबर क्राइम, रिस्क मैनेजमेंट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सारी चीजें भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे लोगों के साथ। और इससे पहले कि मैं एंड करूं, आप लास्ट में क्या, क्योंकि मुझे पता है ये इतनी बड़ी फील्ड है कि इस पर मेरे ख्याल है 2 घंटे भी अगर हम बात करें तो बड़ा कम होगा। आप खास तौर पर उन लोगों के लिए जो IT की तरफ आ रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा एक छोटा सा मैसेज है हमारे तमाम यंग ग्रेजुएट्स के लिए जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, आपकी IT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड के लिए।
तो जैसे ऑब्वियसली अभी आपने कहा कि इतने कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो सकती, इंशाल्लाह आगे जैसे हम मज़ीद अगर इसके एपिसोड्स करेंगे तो कोई एक मखसूस स्पेसिफिक टॉपिक पे भी लेके बात कर सकते हैं। मैसेज मेरा तमाम लोगों के लिए यही है, स्पेशली जैसे मैंने कहा इस फील्ड से रिलेटेड, कि आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस, IT हो या कोई और फील्ड हो, आप अपने काम पे फोकस रखें और जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको उसकी पूरी क्या कहना चाहिए कि सच्चाई के साथ उसको आप हासिल करने की कोशिश करें और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए अप टू डेट रहें। नेवर फील कि आप में कोई चीज़ कमी है या आप में कोई और मसला है। जहाँ जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है आप उसकी तरफ बढ़ते जाइए, कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह आप सक्सीड होंगे। लेकिन आप अपने लेटेस्ट मॉडर्न और अप टू डेट, क्योंकि IT और उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी एलाइड फील्ड्स हैं, जो आपने पढ़ा वो टाइम के साथ साथ में अपडेशन आती है और आती रहती है। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए इस वक्त, कि आपको अपने आप को अपडेट रखना है, पढ़ाई से सीखने से पीछे नहीं हटना, अपने आप को एक्टिव रखना है। जितना आप ज़्यादा एक्टिव होंगे, जितना आपके अंदर लर्निंग का जो आपका वो पार्ट है वो आपका जितना बेहतर होगा, जितना आप में ज़्यादा होगा, उतना आप सक्सीड करेंगे। कभी किसी दूसरे को इम्प्रेशन ना दें कि आप पुराने हो गए, अब आपको ये चीज़ नहीं, आपने बहुत पहले पढ़ी थी अब आपको नहीं आती, या मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ। कभी ऐसी बात ना करें, बल्कि दौरे हाजिर के साथ हर लेटेस्ट मॉडर्न जो भी चेंजेस आ रही हैं उनको हासिल करें, उनको सीखते रहें और इंशाल्लाह आप आगे इसमें मज़ीद बेहतर होते चले जाएंगे। जजाक अल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। दिल चाह रहा है गुफ्तगू को करते रहें, क्योंकि ये मैंने खुद कहा कि ये बड़ी फास्ट फील्ड है। इंशाल्लाह हम आपको जहमत देते रहेंगे इस टॉपिक पर बात करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि जो इस प्लेटफॉर्म से हमने लोगों को मुख्तलिफ जहदों में सिखाने की कोशिश की है, इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी हम पूरी तरीके से कवर करें। आपका जो भी सवाल हो आप अपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं, मैं डायरेक्टली डॉक्टर अब्दुल कबीर काजी साहब से उस सवाल का आंसर लेके आपको जवाब दे दूंगा। और बस जाते जाते सिर्फ इतना सा कहूंगा कि देखें, चीज बहुत अच्छी है, लेकिन हमेशा हर चीज को फोकस रख के कीजिए, और जो अच्छी चीज है उसमें से वो लीजिए। हमारा मसला ये है कि हम उसका बैड यूज पहले करते हैं, गुड यूज तो शायद हमारी जिंदगी में बाद में ही कभी आता है। तो खुदा का वास्ता, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। बिलीव मी और नॉट, योर फ्यूचर इज डेफिनेटली बी इन द ग्रेटर हैंड्स। अपना और अपने गर्दनमा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर अब्दुल कबीर काजी को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। जिंदगी ने वफा की, हालात साजगार रहे तो आपसे बहुत जल्द किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि जो आने वाले वीडियोज हैं वो और बड़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे क्यूरियस।